जी एवरीवन कैन हियर मी और नॉट? यस मैम। ठीक हो गया। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 9 ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है, द आउटलाइन फॉर टुडेज लेक्चर और द मेजर टॉपिक इज यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, वही बातें हैं मोर और लेस जो हम साइकोलॉजी से बेस करती हुई हम पहले भी पढ़ते रहे हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर का आउटलाइन है, इट्स बेस्ड ऑन परसेप्शन, मोटिवेशन एंड परसेप्शन, अटेंशन एंड परसेप्शन, बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज, एबनॉर्मैलिटीज ऑफ परसेप्शन एंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, मेन आपका जो आज का टॉपिक है वो परसेप्शन है। परसेप्शन का मोटिवेशन और अटेंशन से क्या आपका इफेक्ट होता है, एंड देन सम बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज जो कि हर एक हेल्दी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट परसेप्शन? क्या होता है परसेप्शन? वर्ड से आपके माइंड में क्या आता है? इंग्लिश का वर्ड है, सिंपल। मैं कोई ये साइकोलॉजी बेस्ड नहीं, आप सब मैम हाउ वी अंडरस्टैंड थिंग्स, हम उनको कैसे लेते हैं, किस तरह समझते हैं, यू अंडरस्टैंड और थिंकिंग एक्सेट्रा, हाउ वी परसेप्शंस। ठीक है, बेसिकली परसेप्शन का क्या मतलब है कि आप ऑल ऑफ अस हैव फाइव सेंसेस। ठीक है, हमारी हियरिंग की सेंस है, हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ टच है। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर गेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, अब उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से रिकग्नाइज करके इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज योर परसेप्शन। ठीक है, कि आपका बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके पास, आपने आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उन्होंने कैच कर लिया। नाउ इट इज अप, इट इज यू नो अ जॉब ऑफ द ब्रेन कि वो उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक इंफॉर्मेशन में इंटरप्रेट करें जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो दैट इज द परसेप्शन। सो डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन इज फ्रॉम द लैटिन, बेटा प्लीज दरवाजा बंद कर देंगे आप, फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेप्शियो इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और द इन्वायरमेंट। ठीक है, जिस तरह फाइव सेंसेज हैं, आपको जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन इंटरप्रेट इट so that you can, you are able to understand it, और उसके accordingly फिर आप आगे उसका जो है, जो भी आपने उसका after effect show करना होता है वो आप उसके accordingly करते हैं। किसी information को जब तक आप perceive नहीं कर सकते तब तक आप उसके against कोई after effect जो है वो आप नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब जो छोटा बच्चा होता है उसकी perception बहुत limited होती है। ठीक है, even though उसकी five senses जो है वो काम कर रही होती है। ठीक है, वो सुन भी रहा होता है, वो आपको देख भी रहा होता है, उसका टेस्ट का सेंसेशन भी होता है, बट स्टिल अगर आप उससे कोई बात करते हो, फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल छोटा बच्चा, वन ईयर का बच्चा है, ठीक है, आप उससे कोई बात कर रहे हो तो वो आपकी बात को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेगा जो कि एडल्ट अंडरस्टैंड करेगा। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम उसकी परसेप्शन एबिलिटी जो है वो बिल्कुल मिनिमम होती है, इवन दो द सेंसेस आर वर्किंग एफिशिएंटली। ठीक है, समझ आया आपको डिफरेंट सेंसरी उसमें और परसेप्शन में? So it can be defined as the ability to see, hear or become aware of something through the senses, the way in which something is regarded, understood or interpreted. Jaise ki aap is cartoon mein dekh sakte hain, the person on the left is saying ke these are four sticks, but the person on the right is saying that these are three sticks. Theek hai, so from his point of view, uski jahan pe wo khada hai wahan se wo teen sticks lag rahi hai, but jahan se wo jis angle se दूसरा जो है कार्टून उसको देख रहा है, वो कह रहा है कि ये फोर स्टिक्स है। सो दिस इज इंटरप्रिटेशन, इवन दो बोथ ऑफ देम आर गेटिंग द सेम सॉर्ट ऑफ अ सेंसरी इंफॉर्मेशन, लेकिन उनका ब्रेन उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस पिक्चर एज वेल। इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी के आपको ये लग रहा है दैट मे बी इट्स अ फेस ऑफ अ गर्ल। ठीक है, अगर आप लाइटर इमेज की तरफ जाएं जो कि थोड़ा ब्राइटर है, उसमें आपको फेस ऑफ अ गर्ल नजर आएगा, बट इफ़ यू लुक एट द डार्कर इमेज, ठीक है, उसमें आपको यू विल फील दैट मे बी इट्स अ मैन हु इज ब्लोइंग अ ट्रम्पेट। मैं इस पिक्चर की बात कर रही हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो सारे? मैन हु इज ब्लोइंग अ ट्रम्पेट, ठीक है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले कर रहा है। और अगर आप दूसरी साइड पर देखें
तो इफ यू लुक एट द डार्कर इमेज व्हिच इज ऑन द मिडिल साइड, ठीक है, उसको अगर आप देखो तो उसमें आपको लगेगा दैट मे बी इट्स अ वाज, ठीक है, वाज की शेप आपको नजर आएगी. बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द ब्राइटर साइड तो आपको दो फेसेस नजर आएंगे. सो दिस इज इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू योर माइंड, यू आर एबल टू इंटरप्रेट द पर्टिकुलर इमेज. अब कोई पर्सन जो है वो फॉरन से पिक्चर देखेगा तो समबडी विल मे बी इंटरप्रेट द डार्कर इमेज फर्स्ट एंड समबडी विल इंटरप्रेट द लाइटर इमेज फर्स्ट. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप किस चीज़ को पहले परसीव करते हैं. बट परसेप्शन दोनों चीज़ों की जो है वो आपकी माइंड में प्रेजेंट होती है. ऑल ऑफ यू कैन रिकॉग्नाइज द ऑब्वियसली आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली, आपके ब्रॉटअप के अकॉर्डिंगली. मैन जो है हाँ सही, तो वही जैसे हम छोटे होते थे हम क्लाउड्स में देखते थे और हम डिफरेंट पिक्चर्स बनाते हैं उसकी, ठीक है, तो आपको उसमें कुछ और नजर आ सकता है, मुझे उसमें कुछ और नजर आ सकता है. सो अगेन ये आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पे, आपकी हर चीज़ पे, आपके ब्रॉटअप पे, आपके इन्वायरमेंट में, एवरीथिंग. अब हर पर्सन का ब्रॉटअप और जिस इन्वायरमेंट में वो रहा होता है वो डिफरेंट होता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपकी थिंकिंग जो है वो डेवलप हुई है. ठीक है, सो टू एक्टिवेट अ पर्टिकुलर रिसेप्टर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रेजेंट. लाइट वेव्स फॉर विजन, मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फॉर हेयरिंग एंड मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड सोल्यूशन फॉर टेस्ट एंड सो फोर्थ. ठीक है, बेसिकली ये थोड़ी सी फिजिक्स की बातें, इसमें इतनी एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है आप लोगों के लेक्चर में. बेसिकली वट दे आर ट्राइंग टू से इज कि आपने एक पर्टिकुलर जब रिसेप्टर को एक्टिवेट करना होता है, जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जैसे आपकी आइस के में रिसेप्टर्स हैं, आपके ईयर में रिसेप्टर्स हैं हेयरिंग के, आपके नोज में सेंस ऑफ स्मेल के रिसेप्टर्स हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए वी नीड टू हैव अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एनर्जी. मीन्स टू से कि अगर आपने कोई टॉर्च आपने ऑन किया और आप किसी पर्सन के कान पर टॉर्च रख दिया और आप उसे कहें कि कैन यू सी द लाइट, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज उसकी वो जो विजन के रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द आई एंड ऑब्वियसली दे विल नॉट बी स्टिमुलेटेड अंटिल एंड अनलेस आप उसकी आइस का यूज लेके आएंगे. सो यू कैन नॉट शाइन अ फ्लैश लाइट इन योर ईयर एंड एक्सपेक्ट टू हैव अ विजुअल रिस्पॉन्स सिंस देर आर नो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स ओवर देयर. ठीक है, आप शाइन करेंगे अगर आप फ्लैश लाइट ईयर में तो मे बी आपको उसकी बैटरी की आवाज़ जरूर आपको सुनाई देगी, बट ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट ऑफ द टॉर्च बिकॉज वहां पर आपकी हेयरिंग के रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट. So neurons operate on the basis of changes in electrical charge and release of neurotransmitter. Physical energies of light, sound wave, odor and taste molecules must be changed into electrochemical forms that the nervous system can process. ठीक है, ये थोड़ी सी पीछे बोरिंग सी बात है. मेन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि ट्रांसडक्शन क्या होता है. ठीक है, ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्टिमुलेशन टेकन इन बाय द रिसेप्टर्स इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड बाय द नर्वस सिस्टम. ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टेजेस ऑफ मेमोरी पढ़ी थी, तो उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी वाज क्या थी, फर्स्ट स्टेज कुछ याद है पिछला लेक्चर. फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी वाज डीकोडिंग. ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जो भी चीज सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम में डीकोड हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है. ठीक है, तो सेम गोज फॉर ट्रांसडक्शन कि जब भी आपको कोई आउटसाइड environment से stimulation receive होती है, ठीक है, by any receptor, then that particular stimulation is converted into electrochemical energy. जब तक वो electrochemical energy में transfer नहीं होता तब तक वो nervous system उसको utilize नहीं कर सकता. जैसे for example कोई patient है वो उसको कोई brain injury हो गई, ठीक है, head बिल्कुल एक healthy individual था, accident हुआ, उसको head injury हुई जिसकी वजह से उसकी ब्रेन इंजरी होगी, तो अब उसकी फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ स्मेल चली गई है. ठीक है, इवन दो उसका नोज इंटैक्ट है, उसके सेंसरी रिसेप्टर्स ऑन द नोज जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू स्मेल. ठीक है, उसकी सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, तो दैट इज बिकॉज उसका जो सेंसरी रिसेप्टर्स है नोज में दे आर वर्किंग एफिशिएंटली, बट दे आर नॉट एबल टू ट्रांसफर दैट यू नो सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता. ठीक हो गया, एनी कंफ्यूजन, आगे चलें.
ठीक है. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन की बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देती हूँ. जैसे आप किसी परफ्यूम शॉप में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप डिफरेंट परफ्यूम्स आप ट्राई कर रहे हैं, एक टाइम आता है आपको किसी परफ्यूम की स्मेल जो है वो समझ नहीं आ रही होती, सारी एक जैसी लग रही होती है या स्मेल नहीं आ रही. सो दैट इज अडेप्टेशन, कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर को बार बार जब स्टिमुलेट करोगे तो अल्टीमेटली आप यू विल गेट अडेप्टेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बूफे में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप खाना खा रहे हैं, तो आप अगर आप अपनी प्लेट में सब कुछ रख लेंगे, 8 to 10 डिशेज आप रख लेंगे, तो आपको यूँ ही लगेगा कि मुझे किसी चीज़ का टेस्ट आज तक समझ नहीं आ रहा, हर सारी चीज़ों का टेस्ट जो है वो मिक्स हो जाता है आपका. सो दैट इज़ अडेप्टेशन, कि आपने एक पर्टिकुलर अपने टेस्ट रिसेप्टर को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट किया कि वो लेस सेंसिटिव हो गया टू दैट पर्टिकुलर stimulation. Okay, so this is known as adaptation. The continued presentation of the same stimulus causes the receptors to become less sensitive to that particular stimulus, and this process is known as adaptation. It occurs rapidly when odor and taste are involved. Okay, vision mein kabhi bhi aapki adaptation as such nahi hoti. Okay, aap har waqt aap jo hai dekh rahe ho, lekin aisa nahi hota ki kabhi aapko jis tarah se taste ya odor mein aapko sensation feel ho us tarah se aapki adaptation vision mein hai. Because we rely heavily on the visual sense, much of our knowledge about perception has been learned through research on vision. ठीक है, समझ आया adaptation का सबको? ठीक है, अब आगे जो हमने पढ़ने हैं वो चलिए इससे बाद में मैं बताती हूँ. Any questions? आगे चले. So what is the link between motivation and perception? We do not perceive everything in our environment. Our motive greatly influences our perceptions. ठीक है, basically आप किसी भी चीज़ को perceive करते हो according to your own motivation. For example, a patient in a ward is waiting for his visitors in the evening, would from a distance misperceive a stranger as a relative. ठीक है, because उसको पता है कि वे visitors का time है, he is waiting for his relatives to show up, तो maybe it's very much likely कि वो किसी stranger को अपने रिलेटिव की तरह मिसपरसीव करेगा. सो अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन दैट यू हैव आप किसी भी चीज़ को मिसपरसीव कर सकते हैं. अ मेडिकल स्टूडेंट मे हियर हिज नेम कॉल्ड इरोनियसली व्हाइल वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर द वाइवा. ठीक है, समझ आया मोटिवेशन एंड परसेप्शन का? दैट अगर आप किसी चीज़ का बहुत अगर आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग टू हैपन, तो बेसिकली यू आर मोटिवेटेड. ठीक है, तो आप मिसपरसीव करने के चांसेस जो हैं वो आपके ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है, दैट्स ऑल दैट इट मींस. ठीक है, नेक्स्ट इज अटेंशन एंड परसेप्शन. अटेंशन एंड परसेप्शन जस्ट लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम मेमोरी में पढ़ा था कि जो जिस चीज़ को आप ज़्यादा अटेंशन देते हो वो आपका शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है उसका कन्वर्ट होने के चांसेस जो है वो ठीक है उसके ज़्यादा होते हैं. तो सेम गोज फॉर परसेप्शन. इफ वी कैन नॉट पॉसिबली अटेंच टू आर प्रोसेस ऑल द स्टिमुलाई दैट वी रिसीव एट एनी वन मोमेंट, सम ऑफ देम मस्ट बी फिल्टर्ड आउट. ठीक है, जैसे अभी हम क्लासरूम में बैठे हैं तो यहाँ पर आपको फैन की आवाज़ भी आ रही हो सकती है, बाहर कंस्ट्रक्शन उसकी भी आवाज़ आपको आ रही हो, बाहर लोग बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ भी आ रही हो, बट डिपेंडिंग अपॉन द अटेंशन आप जिस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देंगे उस वो स्टिमुलेशन जो है उसको आप ज़्यादा बेहतर तौर पर परसीव करेंगे. If you are, you know, sitting in the classroom, आप सबसे बैक में बैठे हैं और आप फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या आपकी बैक सीट पर कोई बोल रहा है, तो ऑब्वियसली आप उससे क्लोज एसोसिएशन में हैं, तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि आपका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड नॉट टू द लेक्चर, एंड यू विल परसीव दैट इन्फॉर्मेशन मच बेटर एज अपोज टू द इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग डिलीवर्ड इन द लेक्चर. So, इसकी एग्जाम्पल इसी तरह से है दैट इन अ बिजी मेडिकल ओपीडी विद मेनी पेशेंट्स सराउंडिंग यू व्हाइल यू डेस्परेटली ट्राई टू फोकस ऑन द इन्फॉर्मेशन बीइंग गिवन बाय द पेशेंट यू आर एग्जामिनिंग. ठीक है, कि मेडिकल ओपीडी है, वहाँ पे 50 पेशेंट्स जो हैं वो लाइन में वेट करें और आप किसी एक पेशेंट को आपने एग्जामिन करना. सो इफ़ यू ट्राई टू लिसन टू द शाउटिंग एंड क्राइंग ऑफ द पेशेंट्स वेटिंग फॉर देयर टर्न, यू विल फाइंड यूर सेल्फ स्विचिंग योर अटेंशन बैक एंड फॉर्थ एंड बिकम confused. So this is why it is important to not have more than one patient by your desk or the examination table. It will help to limit the amount of sensory input and focus your attention better. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा sensory information आपको receive हो रही होगी उतनी ज़्यादा it will be difficult for your brain to interpret it. और ultimately आप जो है वो exhaust हो जाएंगे mentally and you will not be able to perceive any of the information that is being given to you. ठीक हो गया, समझ आया? अटेंशन एंड परसेप्शन कौन बताएगा?
कोई एक बच्चा डिवाइस करा है, क्या हमने अटेंशन ऑन परसेप्शन की समझ आई है? आप बताओ बेटा। हाँ, आपका नाम अलीशा जी, प्लीज स्टैंड अप अलीशा एंड टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट अटेंशन एंड परसेप्शन। तो अगर मैं उसको अटेंशन नहीं दे रही जिससे मैं बात कर रही हूँ, फिर तो अल्टीमेटली क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? कोई इसको बेहतर तरीके से बता सकता है? ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि आपकी अटेंशन का आपकी परसेप्शन से बहुत ज्यादा लिंक होता है। इफ यू आर नॉट अटेंटिव टू वन पर्टिकुलर स्टिमुलस, बेसिकली मतलब ये कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मिल रही है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा है, hearing ki a sense of smell ki, any of the stimulation that is being received to you is in multiple numbers, so ultimately aapki perception ki ability jo hai wo kam hoti jayegi because you will not be able to perceive any of the information that is being given to you. Theek ho gaya. Next is the basic perception abilities. Theek hai, ye wo abilities hain jo ki har individual mein present hoti hain. Aap kisi bhi cheez ko kis tarah se perceive karte ho. Pattern and constancies, pattern perception, perceptual constancies, shape constancy and size constancy, auditory constancy, depth perception, binocular cues, monocular cues and perception of movements. ठीक है, ये सारी हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. What is pattern and constancy? We perceive objects in our environment as having features such as pattern, constancy, depth and movement. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक पैटर्न होता है, उसकी डेप्थ हो सकती है, कॉन्स्टेंसी हो सकती है और मूवमेंट हो सकती है. सो आवर परसेप्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज सो ऑटोमेटिक दैट वी ऑफन टेक देम फॉर ग्रांटेड एंड दे आर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन. ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है पैटर्न परसेप्शन. द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट शेप्स एंड फिगर्स इज नोन एज पैटर्न परसेप्शन. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, फिर नर्सरी लेवल के जब स्कूल जाते हैं तो उनको पहले शेप्स सिखाई जाती है. ठीक है, उनको ये नहीं बताया जाता कि दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, उनको पहले ये बताया जाता है कि दिस इज अ रेक्टेंगल, या ये नहीं कहा जाता दिस इज अ सन, उनको पहले सर्कल की शेप से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, किसी पैटर्न से इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड देन उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटी दैट यू हैव इज द एबिलिटी टू परसीव इन अ सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न. एग्जाम्पल्स आ गई आपके पास लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, traffic signs, friends, facial features, food items in the grocery stores, automobiles in the parking lot. Means ki aap dekho traffic signs, jitne bhi traffic signs hote hain unka ek basic hota hai na, isi tarah se square mein hai uske upar red area jo hai usme highlighted hota hai, this is the pattern of the traffic signs. Isi tarah aapke paas this was the pattern constancy, the ability to perceive patterns. Then next is the perceptual constancy, the tendency to perceive objects as relatively stable is called as perceptual constancy. They allow us to deal with our environment as relatively stable and unchanging. Theek hai, iski example main aapko is tarah se deti hu. For example, once you have identified the object, you continue to recognize it even if it changes in its location and distance, and therefore casts a different image on the retina. A change in the retinal image does not change the does not cause a change in the object. ठीक है, तो basically इसका क्या मतलब है कि ये chair आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है, आपके retina पे इसका different एक image अभी जो एक normal chair का image है वो बना हुआ है, ठीक है, आप इसको identify कर सकते हो that this is a chair. अब इस chair को अगर मैं उल्टा कर दूँ, या मैं उसको टेढ़ा करके रख दूँ, या मैं इसको paint कर दूँ,
अल्टीमेटली इसका रेटिनल इमेज आपकी आईज पर चेंज तो होगा बिकॉज ऑब्वियसली मैंने चेयर को उल्टा कर दिया बट स्टिल यू विल परसीव इट एज अ चेयर. आपको पता है कि ये चेयर है. सो दिस इज योर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कि आप वेदर द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स लोकेशन वेदर उसका डिस्टेंस चेंज हो जाए स्टिल आप उसको एज अ एज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही परसीव करोगे वट एवर द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज वट एवर द लोकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज. ठीक है, अगर आप अपने मोबाइल फोन को सामने से देखें उल्टा करके देखें कवर उतार के देखें या कवर लगा के देखें यू विल स्टिल परसीव इट एज योर मोबाइल फोन. ठीक है, सुनने में ये बात बहुत ही स्टूपिड लग रही होती है कि ऑब्वियसली मोबाइल फोन है या चेयर है मुझे हमें पता है लेकिन दिस इज सम बेसिक स्किल्स जो कि जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता. अगर कोई न्यूरो का पेशेंट है और उसकी परसेप्शन एबिलिटी जो है वो डीरेंज हुई है तो अगर यहाँ चेयर पड़ी होगी तो मे बी उस चेयर की हाइट को सही प्रॉपरली एडमिनिस्टर ना कर सके. ठीक है, वो बैठने लगे तो वो गिर सकता है बिकॉज उसको उस चेयर की हाइट का प्रॉपर अंदाजा नहीं होगा. सो दिस इज समथिंग सम थिंग्स जिसको हम ऑब्वियसली फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज हमें लगता है कि ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी यू नो सिंपल लेकिन ये आपकी एबिलिटीज होती हैं जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें दे कैन बी डीरेंज्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज द शेप कॉन्स्टेंसी. द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इवन दो द इमेज प्रोजेक्टेड ऑन योर रेटिना डज. सो द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव इंडिपेंडेंटली ऑफ द इमेज इट कास्ट्स ऑन द रेटिना. ठीक है, ये भी मोर और लेस वही बात है जो हमने परसेप्शन की अभी परसेप्शन एबिलिटी की बात की कि लुक एट अ बुक विद डिफरेंट एंगल्स यू सी नथिंग बट अ बुक हैंड इन डिफरेंट पोजिशंस. अ कार टेकिंग द लेफ्ट टर्न इन फ्रंट ऑफ यू द इमेज ऑन द रेटिना चेंजेस बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट. मीन्स की कार अगर आपकी आप सामने से आपके पास आ रही है तो उसका एक डिफरेंट रेटिनल इमेज होगा उसकी शेप डिफरेंट होगी बट यू विल परसीव इट एज अ कार. बट व्हेन द कार इज टेकिंग अ टर्न तो कार थोड़ी इलॉन्गेटेड पोजिशन में होगी बट आपको उसकी शेप से कोई रिगार्ड नहीं होगा. यू विल स्टिल परसीव इट एज अ कार विच टेकिंग अ टर्न. ठीक है, समझ आ रही है बात? किसी को समझ ना आ रही है जी? द बॉय एट द बैक, आपका नाम क्या बताओ? नबील जी. नबील, समझ आ रहा है आपको? सारे इतने दुखी क्यों हो मुझे ये बताओ? यूनिवर्सिटी आने का कोई शौक नहीं था? फिर खत्म हो गया यूनिवर्सिटी आके शौक? हाँ, गर्मी नहीं है ना? गर्मी तो है, वो आई थिंक रॉन्ग टाइमिंग हो गई है ना, वरना यूजली तो आप लोगों को इस टाइम पे समर हॉलीडेज होती है बट आप लोगों का सेमेस्टर ही माशाल्लाह से हमारा इतना डिले जा रहा है कि सितंबर तक आप लोगों के कोई हॉलीडेज नहीं है फिलहाल. आप लोगों का ये काफ़ी अभी तो सेमेस्टर चल रहा है ना, फिर मिड आएगा उसके बाद फिर क्लासेस होंगी फिर फाइनल होने हैं वाइवास होने हैं तो अगस्त सितंबर तो कहीं नहीं गया. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाए दुनिया में. अभी तक तुम लोग वही बिस्तर याद कर रहे हो जहाँ घुस के तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हो. ऐसे ही ए सी में बैठ के मोबाइल पर ऑन किया है और खुद बेशक सो रहे हो. ऐसे ही है, मेरा भाई है वो खुद भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो वो भी ऐसे ही करता है. उस दिन क्लास उसकी हो रही थी मोबाइल पकड़ा के मुझे खुद बाहर चला गया कि मेरी क्लास हो रही है इसको ऑफ नहीं करना. तो आई नो ऐसा होता है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑनलाइन. बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है, बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है मोटिवेशन पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी. तो लेकिन आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाओ, आप सारे यूनिवर्सिटी की दीवारों से वाकिफ हो जाओ. ठीक है, तो बाकी ये कि शुक्र करो एसी लगे हैं यहाँ पर. ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाओ वहाँ पे मुझे बता दो. तो बाकी इंजॉय करो बाहर गर्मी में. ठीक है, अभी तो गर्मी कम नहीं होगी, अभी तो ज़्यादा ही होगी. ठीक हो गया, समझ आया सबको? अब इस आप शेप कॉन्स्टेंसी को यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक मग की शेप अकॉर्डिंग टू द एंगल दैट वर व्यू गेट डिफरेंट होती है बट स्टिल आप उसको एज अ मग ही परसीव करें बिकॉज ऑफ द शेप कॉन्स्टेंसी. ठीक हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है साइज कॉन्स्टेंसी. ये तुम लोग बताओगे क्या मतलब है इसका साइज कॉन्स्टेंसी का? दूर से देखने में वो छोटी लगती है और करीब से देखने में वो साइज इन लार्ज लग रहा है लेकिन है तो वो बॉटल. क्या नाम था आपका? आरिफ हुसैन जी. आरिफ, पूजा बोल रहा है सर.
ठीक है, बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अभी इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं दैट टू ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड, वन इज प्लेस्ड नियर यू एंड द अदर इज प्लेस्ड फर्दर अवे फ्रॉम यू. ठीक है, तो आप इसको बेसिकली यू विल नॉट परसीव इट एज समथिंग कि इसका साइज चेंज हो रहा है. आप इसको इस तरह से परसीव करेंगे दैट वन ऑब्जेक्ट इज टूवर्ड्स अस एंड द अदर इज अवे फ्रॉम अस, बिकॉज दोनों का जो साइज है वो कॉन्स्टेंट है, साइज इज द सेम. जिस तरह से क्या नाम था आरिफ ने एग्जाम्पल दी एरोप्लेन की, कि एरोप्लेन जब आप एयरपोर्ट पे देखते हो तो ऑब्वियसली समथिंग विच इज वेरी बिग इन साइज, बट वेन यू सी फ्लाइंग इन द एयर तो इट इज समथिंग विच इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो तब आप ये यही आपको परसेप्शन आती है बिकॉज इट इज वेरी मच फार फ्रॉम अस, दैट इज वाई इट इज लुक्ड एट समथिंग विच इज वेरी स्मॉल इवन दो द साइज ऑफ बोथ ऑफ देम आर द सेम. ठीक है, तो सेम इज द साइज कॉन्स्टेंसी. अब ये चेयर बिल्कुल मेरे करीब पड़ी हुई है तो, और जो बिल्कुल लास्ट में पड़ी हुई है उसका साइज मुझे आई नो द साइज सेम है. ठीक है, साइज जो है वो दोनों का कॉन्स्टेंट है, सो आई विल परसीव इट एज समथिंग विच इज नियर टू मी एंड दैट चेयर इज वेरी far from me, that is why वो मुझे छोटी लग रही है even though it is not. ठीक हो गया, so this was the size constancy. Next is the auditory constancy. Auditory constancy का मतलब है कि एक melody आपने आपको recognized हो गई है, तो even if कोई और उसको उस melody को sing कर रहा है या किसी और instrument पे वो play कर रहा है, you will be able to recognize it. ठीक है, जैसे बहुत ही एक example क्या इसकी, जैसे गाना है हमारा दिल दिल पाकिस्तान, हर बच्चे को ये गाना याद है. ठीक है, तो आप जिस मर्जी से ये गाना जो है सिंग करवा लें, बच्चा उसको जो है वो रिकग्नाइज कर लेगा. पियानो पे आप उसकी इंस्ट्रूमेंटल प्ले कर लें, आप गिटार पे प्ले कर लें, यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज इट स्टोन. सो दैट इज द ऑडिटरी कॉन्स्टेंसी, दैट वी परसीव वर्ड्स द सेम व्हेन दे आर स्पोकन बाय मेनी इंडिविजुअल्स विद द डिफरेंट वॉइसेस. ठीक हो गया, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनका किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? नो मैम. मुझे बताओ तुम लोगों ने डिसाइड तो नहीं किया होगा कि आज की क्लास में नो मैम तुमने कहना है, अगली क्लास में मैं कहूंगा, किया वो डिसाइड? नो मैम. मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ है कि आज की क्लास चार लड़कियां नो मैम कहेंगी, नेक्स्ट में ये चार कहेंगी. या ये वाकई में बच्चे सुन रहे होते हैं जो अच्छे बच्चे. ठीक हो गया, सो नेक्स्ट इज द डेप्थ परसेप्शन. सो इन एडिशन टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टेंसीज वी एक्सपीरियंस द थर्ड डायमेंशन कॉल्ड एज द डेप्थ परसेप्शन. ठीक है, अब डेप्थ की हम परसेप्शन किस तरह से करते हैं? हमारा जो रेटिना है विच इज बेसिकली आपका जो आई बॉल पे रेटिना बना होता है, उसकी सर्फेस जो है वो टू डायमेंशनल होती है, टॉप टू बॉटम एंड साइड टू साइड, वो थ्री डायमेंशनल नहीं होता, बट स्टिल वी आर एबल टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स इन देयर 3D स्पेस. हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कि रेटिना जो है वो 2D है, लेकिन उस पर जो इमेज बनता है वो 3D इमेज बनता है. ठीक है, एक कप को आप देखते हो, आप उसकी हाइट भी देख सकते हो, आप उसकी विड्थ भी देख सकते हो, और आप उसकी डेप्थ भी देख सकते हो. ठीक है, 3D इमेज बनता है आपका. सो हाउ इज दैट पॉसिबल? उसके लिए वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज इन आवर रेटिना. हमारे आई मसल्स इसमें रोल प्ले करते हैं to create the perception of depth. इसमें we have binocular cues and monocular cues. Binocular cues involve the use of both of your eyes and the monocular cues involve use of only one eye. ठीक है, binocular cue में क्या होता है that among the most important binocular cues are the adjustment of the eye muscles and binocular disparity. The muscle that moves the eyeball to get the best possible view provides feedback for judging the distance. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नियर टू योर आई, द आई रोटेट्स टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट. यू कैन फील द मसल टेंशन व्हेन यू लुक एट द ऑब्जेक्ट वेरी नियर टू योर आईज. ठीक है, जैसे अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपके आईज के जो मसल्स होंगे, जो आपका आई बॉल होगा, वो टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो मूव करेगा. अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको आपके आई मसल जो है वो रिलैक्स पोजिशन में होंगे बिकॉज आप किसी एक नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर रहे. So because of the difference of the location of your eye muscles, aapke eye muscles ki contraction aur relaxation ki wajah se aap depth ki perception jo hai usko perceive kar sakte hain even though the retina is two dimensional. theek hai, isko aap binocular cues kehte hain. to agar aap book read kar rahe hain to aap dono eyes se hi kar sakte hain na, ke matlab agar aapne kisi object ko towards the center dekhna hai to you need
your both of your eye muscles to work in accordance with that. ठीक है, इसी तरह होता है monocular cues. These can be perceived by either of the eye, also helps to determine the depth. For example, when ciliary muscles changes the shape of the lens in accommodation, the muscle adjustments are sensed and are used to determine the distance. ठीक है, इसमें आप अपना accommodation reflex check कर सकते हैं. Accommodation reflex क्या होता है, eye का पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले एनाटॉमी में. ठीक है, आप कभी डॉक्टर के गए हो, आई डॉक्टर के, तो वो एक पेन पकड़ता है, दूर से लेके आता है और कहता है इस पेन की तरफ आपने देखी. ठीक है, तो अल्टीमेटली आप महंगे होना शुरू हो जाते हो. पहले पेन दूर होता है, आप उसको देखते हो, जब वो करीब आता है तो आपकी दोनों जो आई बॉल्स होते हैं वो टूवर्ड्स द सेंटर होना शुरू हो जाते हैं. सो दैट इज योर एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, कि आपकी जो आईज हैं वो नियरनेस और फार साइटेडनेस के लिए एकोमोडेट हो गई, कि पहले एक ऑब्जेक्ट दूर था उसको देखने के लिए वो किस तरह एकोमोडेट किया लेंस ने, एंड व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज नियर टू यू तो उसने उसको किस तरह से एकोमोडेट किया. इसी तरह से दे चेक कि आपकी जो है आई सेट वो नियर की कमजोर है या फिर फार साइटेडनेस है. तो सेम इसी को हम मोनोक्युलर क्यूज कहते हैं, कि बेसिकली आपका जो लेंस होता है उसकी शेप चेंज होती है, आइदर इट बिकम्स कॉन्केव और इट बिकम्स कॉन्वेक्स. जब आप दूर देखते हैं तो कॉन्केव हो जाता है, जब आप करीब देख रहे होते हैं तो वो कॉन्वेक्स हो जाता है. दिस इज नोन एज द एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू चेक द डेप्थ परसेप्शन. ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन, आगे चले. ठीक है, इसमें आप ये रिलेटिव साइज भी देख सकते हैं कि दो पांडास बैठे हैं, दोनों का साइज एक है. ठीक है, एक दूर है आपसे और एक आपसे करीब है, तो यू विल बी एबल टू नो, आपको ऐसा लगेगा कि जो दूर ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर अपीयर हो रहा है बिकॉज ऑफ द मोनोक्युलर क्यू. ठीक है, दिस इज सुपर इम्पोजिशन, द फैक्ट दैट द नियर ऑब्जेक्ट पार्शली ऑब्सक्योर मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अगर यही चीज़ फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं और ऐसा ही एक पेज मैं आपको पकड़ा दूँ कि आपने आप वहाँ पर अपने हाथ में आपने देखना है, तो जो आपके हाथ में होगी इस तरह का पेज वो आपको ज़्यादा बेटर तौर पर आप उसको परसीव कर सकेंगे, बिकॉज द नियर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज यू नो सुपर इम्पोज द फार ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है उसी की पिक्चर उस पर्सन के हाथ में, तो इवन दो द बैकग्राउंड इज वेरी ह्यूज बट स्टिल उसके हाथ में जो पिक्चर होगी वो उसके लिए ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगी, उसको वो ज़्यादा बिकॉज वो उसको सुपर इम्पोज कर रहा होगा. नियर ऑब्जेक्ट ऑलवेज सुपर इम्पोज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज द टेक्सचर ग्रेडियंट. जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे आपका टेक्सचर जो है वो स्मूथ होता जाएगा. ठीक है, एक पर्सन को अगर आप दूर से देख रहे हैं तो मे बी उसकी स्किन आपको बिल्कुल फ्लॉलेस लगी, जैसे वो करीब आएगा तो यू विल बी एबल टू सी द स्किन इम्परफेक्शन. सो दैट इज द टेक्सचर ग्रेडियंट. दूर से देखने में आपको ये वाइट बोर्ड बिल्कुल क्लियर और स्मूथ लग रहा हो, लेकिन जब आप करीब आएंगे तो आपको नजर आएगा दैट इट इज वेरी बम्पी. दैट इज द टेक्सचर ग्रेडियंट. नेक्स्ट रिलेटिव ब्राइटनेस भी सेम इसी तरह है, दैट द ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ. ठीक है, लीनियर पर्सपेक्टिव, दैट द पैरेलल लाइंस अपीयर टू कन्वर्ज एज दे रिसीड इनटू द डिस्टेंस. जैसे कि ये रेलवे लाइंस हैं, बहुत दूर तक जाती हैं. ठीक है, अब आपकी जहाँ तक आपकी आई साइट है तब तक तो आप उसको टू लाइंस के तौर पर परसीव करोगे, बट एक टाइम आएगा यू विल नॉट बी एबल टू सी फर्दर, तो आपको ऐसा लगेगा कि दीज पैरेलल लाइंस आर बेसिकली कन्वर्जिंग, इवन दो ऐसा नहीं होता, बट आपकी आई साइट वहाँ तक ही आपको दिखा सकते. ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन, काफी बेसिक बात है. क्या हाँ, बाइनोक्युलर क्यूज के मोनोक्युलर क्यूज क्या पूछ रहे बेटा? हाँ, वो यही है ना कि बेसिकली आर्टिस्ट जब कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो एक बिल्कुल बेसिक पिक्चर तो नहीं, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक अच्छा आर्टिस्ट हो, एक पिक्चर में डेप्थ उसने दिखानी है, वाटर दिखाना है, वाटर की डेप्थ दिखानी है, तो वो किस तरह दिखा सकता है? वो उसको बाय द यूज ऑफ मोनोक्युलर क्यूज दिखा सकता है कि आप जब उस पिक्चर को देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दैट वो उसकी जो फॉर्मेशन हुई भी होगी वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लेंस हुई होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ही इज ट्राइंग टू शो द डेप्थ ऑफ दैट पिक्चर. जब आपने किसी चीज़ की डेप्थ दिखानी होती है, आई डोंट नो आप में से किसी ने कभी मैंने तो नहीं खैर कभी किया, कोई जो आर्टिस्ट होते हैं जब वो एक फॉर एग्जांपल एक बैकग्राउंड उन्होंने दिखाना है, उसमें उन्होंने रिवर भी दिखाना है, उसमें उन्होंने माउंटेन्स भी दिखानी है,
तो अब आप उन्होंने डेप्थ किस तरह दिखाई है कि एक माउंटेन बड़ा है उसके काफ़ी नीचे डेप्थ में जाके रुक रहा है, तो उसको दिखाने के लिए दे विल यूज दी मोनोक्युलर थ्रूस कि जब आप उस पिक्चर को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेंस जो होगा वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सी समथिंग कि ये थोड़ा सा बिलो इन डेप्थ है और ये हायर इन डेप्थ है, ये सब ठीक होगा। तक तो नहीं गए, अच्छी बात है, थोड़ा सा रह गया वैसे। एबनॉर्मैलिटीज ऑफ परसेप्शन रह गई हैं, टू मेजर एबनॉर्मैलिटीज हैं हमारे पास, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इल्यूजन क्या होता है? परसेप्शन नहीं कर सकते का यू कैन से मिसपरसीव करते हैं, ठीक है? इट इज द मिसपरसेप्शन ऑफ द रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है? अब आप इन दो डायग्राम्स, इन दो इमेजेस को देखो। फर्स्ट इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है? शेर पानी पी रहा है, ठीक है, और माउंटेन भी है। हाँ, क्या कह रहे, माउंटेन, ठीक है। एक आपको ये भी लग सकता है कि मे बी इट्स अ मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट सॉर्ट ऑफ है, लेकिन अगर आप उसको क्लोजली है तो ये मॉन्यूमेंट ही ना, अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक मॉन्यूमेंट ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको क्लोजली लुक करो तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि शेर या डॉग जो है वो पानी पी रहा है। सो दिस इज अ इल्यूजन कि एक एक्सटर्नल स्टिमुलस को आपने मिसपरसीव किया है, जैसे कि हम क्लाउड्स में मिसपरसीव, हमें पता है कि वो क्लाउड्स हैं बट स्टिल वी मिसपरसीव इट एज समथिंग एल्स, हमें लगता है कि कोई किसी एनिमल से आप उसको मिसपरसीव कर सकते हो, ठीक है। अब साथ वाली पिक्चर उसको देखो, उसमें क्या नजर आ रहा है? स्पेस नजर आ रहा है, स्पेस नजर आ रहा है, आपको क्या आ रहा है? स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप उसको बहुत क्लोजली देखो तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि एक लड़की जो है शी इज मूविंग इन द फॉरेस्ट, अगर आप बहुत क्लोजली उसको लुक करें, आ रहा है नजर सबको कि नहीं? ठीक है, सो लड़की नहीं उस पर नजर आ रही, लड़की दिखाओ यार, सुनिए, ठीक है, ये देखो ना, इसमें बड़ा सिंपल सा है, लैपटॉप में या मोबाइल में, तो यू विल बी एबल टू सी इट। सो इल्यूजन बेसिकली क्या होता है कि आपने मिसपरसेप्शन किया है एक रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस को। सो अगेन इसमें भी इसी तरह से है, ये भी इल्यूजन है, एक फेस भी नजर आ रहा है, उसके अलावा एक आपको बीच में ऐसा भी लग रहा है दैट अ मैन इज सिटिंग, ठीक है। सेम गोज फॉर द अदर पिक्चर, इसमें ऐसा लग रहा है कि ट्री के ब्रांचेस हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऐसा भी लग रहा है मे बी एनिमल इज रनिंग, उन ब्रांचेस में आपको उस एनिमल की जो है वो इल्यूजन हो रही है। सो इल्यूजन और हेलुसिनेशन में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि इल्यूजन में हमेशा एक एक्सटर्नल रियल स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। आप जैसे क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स इन रियल प्रेजेंट है, लेकिन उसमें आपको इल्यूजन किसी और चीज़ का हो रहा है, दैट इज बिकॉज आप उसको, आपकी थिंकिंग या आपकी क्रिएटिविटी, आप उसको मिसपरसीव करो किसी और तरीके से, बट ऑब्वियसली अ रियल स्टिमुलस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ इल्यूजन। हेलुसिनेशन में परसेप्शन होती है विदाउट एनी स्टिमुलस, इसमें कोई स्टिमुलस नहीं होता और आप किसी चीज़ को परसीव कर रहे हो, तो यूजली ये न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में होते हैं, साइकेट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं या कुछ ड्रग्स होती हैं उनकी ओवरडोज की वजह से एक साइड इफेक्ट जो है वो आपको हेलुसिनेशन के तौर पर नजर आएगा। दे कैन बी एनी सेंसेशंस बस मोस्ट कॉमन दे आर ऑडिटरी एंड विजुअल्स हेलुसिनेशंस, दे आर मोस्टली सीन इन द पेशेंट्स ऑफ शिजोफ्रेनिया, दे हेयर द वॉइस टॉकिंग अबाउट देम, द एबनॉर्मल परसेप्शंस आर सो रियल दैट द पेशेंट्स एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू देम, ठीक है। अगर आपने शिजोफ्रेनिया का कोई पेशेंट कभी लाइफ में देखा हो तो वो अकेला बैठ के भी बातें कर रहा होता, तो वो एक्चुअली में उस अकेला नहीं कर रहा होता, उसको ये लग रहा था कि उसके साथ कोई बैठा हुआ, उसकी हेलुसिनेशंस जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसको ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस जो है वो इतनी ज़्यादा फील हो रही होती है कि वो उन्हीं के साथ जो है अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता। बट हेलुसिनेशन में कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, बट इल्यूजन में देयर इज ऑलवेज अ स्टिमुलेशन प्रेजेंट, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक हो गया। मैम ये ड्रग्स की वजह से होता है आप कह रही हैं? कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, जैसे
सीएनएस सप्रेसेंट्स होते हैं कुछ, या बहुत ज़्यादा हाई फीवर के लिए अगर आपने कोई ऐसी ड्रग दी है जो आपके फीवर को डाउन करे, तो मे बी उससे आपको हेलुसिनेशन आ सके. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ड्रग की ओवरडोज से आपको हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाए. वो तुम्हारी अम्मी थी बच्चों में भी हो जाता है. आई डोंट नो, जैसे अक्सर जो ओनली चाइल्ड होते हैं इफ दे फील लोनली तो जी उनको हेलुसिनेशन हो सकती है. इफ दे आर फील, अगर वो बहुत ज्यादा फील करें उस चीज को कि उनको लगेगा कि मे बी समबडी इज प्लेइंग विद अस, सो वो एक अलग चीज होती है. बट होती वो भी हेलुसिनेशन ही है. हेलुसिनेशन इज अ सिम्टम, ठीक है, इट इज नॉट अ डिजीज. ये वेरियस डिजीजेस के सिम्टम्स में आ सकती है. ठीक हो गया. ये सारी जो डायग्राम पिक्चर्स हैं, ये सारी इल्यूजन्स की पिक्चर्स हैं. इनको आप लोग देखना किस तरह आप इसको परसीव करते हो. ठीक हो गया. लास्ट हमारा टॉपिक रह गया जी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में ये चार हमारे पास मेजर एबिलिटीज आ सकती हैं, जिनको हम कहते हैं क्लेयरवॉइंस, टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन एंड साइकोकाइनेसिस. ठीक है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का क्या मतलब है कि बेसिकली ये वो एक्सपीरियंसेस हैं, ये वो बिहेवियर है जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, मैंने तो वैसे आज तक ऐसी कोई इंडिविजुअल नहीं देखा जिसमें ये चार बिहेवियर्स प्रेजेंट हो. मोर और लेस दीज बिहेवियर्स आर फिक्शनल. आपने स्टोरीज में सुने होंगे, आपने मूवीज में देखे होंगे, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी पैरानॉर्मल और बियॉन्ड आर नॉर्मल सेंसरी एबिलिटीज. ठीक है, वन बाय वन को देखते हैं ये क्या होते हैं. क्लेयरवॉइंस is the alleged ability to gain information about an object, person, location or physical event through extrasensory perception. ठीक है, जैसे बहुत कॉमन होता है कि जी आप अपना नाम बताएं, अपनी अम्मी का नाम बताएं और वो आपको जो है आपका सारा फ्यूचर बताएगा, आपकी लाइफ हिस्ट्री बताएगा कि आप ये सब हुआ आपके साथ. तो दैट इज क्लेयरवॉइंस, कि extrasensory perception. अब आई डोंट नो कि वो चीज़ रियल है कि रियल नहीं है. मे बी सम पीपल हैव दिस एबिलिटी, but this is something which is considered to be paranormal in nature. कि normal एक individual में clairvoyance की ability जो है वो present नहीं होती. ठीक हो गया. next is telepathy. telepathy is basically to read someone's mind. ठीक है, proper जो एक mind reading होती है. ठीक है, normal थोड़ी बहुत mind reading तो हम भी कर लेते हैं ना, कि आपस में आप एक दूसरे को जानते हो या थोड़ा बहुत आप body language से assess कर लेते हो. ठीक है, but telepathy की हम जो बात करें, that is the ability to actually read someone's माइंड, जो कि यूजली लोग हिप्नोटिज्म के थ्रू भी. वही ना, ये सारी जितनी भी उनकी एबिलिटीज पढ़े, ये सारी जो है पैरानॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है. ठीक है, वो मूवी कौन सी थी, एक वैम्पायर्स वाली, ट्वाइलाइट. हाँ, सबकी पढ़ लेती थी वो. वो एडवर्ड भी तो पढ़ता था माइंड रीडिंग सबकी कर लेते. ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रीकॉग्निशन. प्रीकॉग्निशन इज बेसिकली टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स. ठीक है, कि आप प्रोफेसीज या प्रोफेटिक ड्रीम्स अबाउट फ्यूचर आर इंक्लूडेड. कि इस्तखारा जैसे हमारे यहाँ किया जाता है बहुत कॉमनली, कि आप उसमें फ्यूचर को परसीव कर सके हो, फ्यूचर को फॉरसी कर सके हो. सो दैट इज प्रीकॉग्निशन. एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. अभी भी कम हुई है मैम, क्लियरली समझ नहीं आ रही. चलो अब आ जाएगी, अब तो लेक्चर खत्म हो गया. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो है वो है टेलीकाइनेसिस. टेलीकाइनेसिस इज दी एबिलिटी टू एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ओवर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. के बेसिकली आप यू हैव द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस बाय योर मेंटल पावर. कि किसी चीज़ को आप देख रहे हो, बहुत एग्जर्ट कर रहे हो और अल्टीमेटली वो चेयर उठ के वहाँ जो है मूव करके वहाँ पर चली गई. दैट इज टेलीकाइनेसिस. इसकी भी एक मूवी थी, देखी होगी आप, हैरी पॉटर का मुझे नहीं आइडिया, मैंने नहीं देखी. उसमें भी होता है हैरी पॉटर के अलावा मैटिल्डा मूवी जो थी. हाँ, वो तो प्रॉपर एक मैजिक वो करते हैं ना. मैटिल्डा जो मूवी थी उसमें नहीं देखी हुई आप लोगों ने किसी ने मैटिल्डा. ठीक है, उसमें बच्ची जो होती है वो अपनी आईज से बहुत देर तक किसी एक चीज़ को अगर देखे तो अल्टीमेटली दैट थिंग स्टार्ट्स टू मूव. ठीक है, तो वो ये कहते हैं दैट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने को आप टेलीकाइनेसिस कहते हो. विच इज विच आई बिलीव इज नॉट पॉसिबल. ऑब्वियसली ये सब फिक्शनल बातें होती हैं. हाँ, बिकॉज दिस इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. आपको पता होना चाहिए कि
क्या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन लोगों में हो सकती है, ठीक है। ये बेसिकली फिक्शनल बात है, इसमें परसेप्शन के साथ साथ उन्होंने एक्स्ट्रा सेंसरी को भी एडिशन किया। वो किसी ने बुक खरीदी है बिहेवियरल साइंसेस की, गलती की किसी ने, ये क्या चक्कर है, तुम लोग बुक्स क्यों नहीं पढ़ते? एफएससी में पढ़ी थी बुक्स, तो अब क्या हो गया? लो अब एनाटॉमी की आप बुक खरीदोगे, ठीक है, तो एनाटॉमी वन, एनाटॉमी टू, एनाटॉमी थ्री सब उसी में से पढ़ना है। फिजियोलॉजी की एक बुक खरीदोगे, फिजियोलॉजी वन टू थ्री उसी में से पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ लिया, अब तो पढ़ लिया, अब तो गुजर गया। तो ये कि बुक्स बेटा पता है यही टाइम होता है बुक पढ़ने का। अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे तब तो आपने बुक्स नहीं पढ़नी है, अभी नहीं पढ़ रहे थे तब क्या पढ़ोगे? थोड़ा बहुत कोई टॉपिक आप बुक्स से भी कंसल्ट किया करें, ठीक हो गया। गूगल के आंसर्स मुझे कोई वाइवा में ना दे प्लीज़। वाइवा में लेती हूँ बच्चों, कोई गलत बताएगा उसे पूछूंगी कहाँ से पढ़ा, तो वो कहता है मैम गूगल से पढ़ा। तो गूगल की जो नॉलेज होती है ना, इट इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, ठीक हो गया। हकीकत टीवी, हाँ, तो ये सब बातें जो है ना, बुक्स जो है वो ऑथेंटिक होती है, बुक्स आप लाजमी पढ़ा करें, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? आई नो क्लियर क्यूज मैम, एक बार रिवाइज कर दें। क्या रिवाइज कर दूं? Binocular cues. Yes, ma'am. The binocular cues जो मैंने बताया ना, basically वो आपका है कि आपने depth को किस तरह perceive करना है। मेरी आवाज सबको clear आ रही है? जो बच्चे? Yes, ma'am, आवाज आ रही है। बेसिकली आपने डेप्थ को किस तरह से परसीव करना है उसको हम बायनोकुलर क्यूज कहते हैं, ठीक है। बायनोकुलर क्यूज का मतलब ये है कि आपके जो आईज के मसल्स हैं वो एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेप्थ परसेप्शन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नियर टू योर आई, द आई विल रोटेट टूवर्ड्स द सेंटर एंड यू कैन फील द मसल टेंशन व्हेन यू लुक एट द ऑब्जेक्ट वेरी नियर टू योर आई, ठीक है। तो बेसिकली आपने डेप्थ को परसीव करना है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप एक खड़े हुए हो, फॉर एग्जाम्पल हाइट की अगर हम बात करें, अगर आप एक माउंटेन टॉप पे खड़े हुए, ठीक है, आपने असेस करना है कि वेदर आपको किस तरह से पता लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द बायनोकुलर क्यूज। कि जब आप किसी फार ऑब्जेक्ट को देखते हो जो बहुत ज़्यादा फार होता है, तो आपकी जो आई मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग पोजिशन में होते हैं, और जो आपकी थिंग जो आपसे बहुत ज़्यादा करीब होती है उसमें आपके आई मसल्स जो होते हैं वो contracted position में होता है। सो बाई दिस यू आर एबल टू परसीव समथिंग एज वेरी यू नो ग्रेटर इन डेप्थ एंड वेरी शैलोअर इन डेप्थ, ठीक हो गया। समझ आया कौन पूछ रहा था? मैम बायनोक्यूलर से सिर्फ हम फॉर अवे चीजें देख सकते हैं, आप ये कह रही हैं? क्या देख सकते हैं? फार्दर चीजें, दूर वाली फार्दर चीज़ें तो आप देख ही सकते हो। बेसिकली बायनोकुलर क्यूज की हेल्प से आप किसी भी चीज़ की डेप्थ की परसेप्शन ले सकते हो कि कोई चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा डीप है या कितनी ज़्यादा शैलो है। मैम ये तो आपने मॉलिक्यूलर में भी बताया था, तो भी इसमें डिफरेंस क्या होगा? क्या डिफरेंस पूछ रहे हो आप? मोनोक्युलर जो है उसमें आप सिर्फ एक आंख से परसेप्शन लेते हो, और बायनोक्युलर में आप दोनों आंखों से परसेप्शन लेते हो। ओके मैम, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया। तो भी आप डेप्थ को भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, फिर अजीब सी लगी थी, दिल टूट गया तुम्हारा? फिर बस स्क्रीन ड्यूटी सी वो कहते हैं ना। अच्छा, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है वैसे। तुम कहाँ शूट करने गए उसको? आप क्या फोटोग्राफर हो? कौन सा यूट्यूब चैनल? अच्छा,
UMT का जो यूट्यूब चैनल है उसके अकॉर्डिंग अपना भी है. चलो वेरी नाइस. फिर एक राइज इसको कहा तुमने तुमने कि मैंने पढ़ा था ऐसा तुम्हारे बारे में. हाँ ठीक हो गया. चलें बच्चों हम एंड करते हैं मीटिंग अब और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में आई होप ऑल ऑफ यू आर हियर. आना है नेक्स्ट क्लास में कि नहीं आना. चलें प्लीज गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज वेल. क्या कब होगा मिड की जो डेट है आपकी फाइनल अभी डेट शीट तो नहीं आई है लेकिन आपके मिड स्टार्ट होने हैं आई थिंक 25 जून से शायद मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट है एंड ऑफ दिस मंथ पहला. मैम नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे आएंगे. क्या कह रही है सारे बच्चे आएंगे बेटा. अभी वैसे हाइब्रिड सिस्टम है ना ऑन कैंपस 50% ऑफ द क्लास जो है वो आए और 50% जो है वो ऑनलाइन हुए. लेकिन अभी मैंने कोई आप लोगों की ऐसा लिस्ट नहीं बनाई क्योंकि कल की क्लास में सिर्फ 3 बच्चे थे और आज अभी आई थिंक आप लोग सारे इवन वाले हो या ऑड वाले हो कि बस सारे मिक्स हो ना. तो जो आना चाहता है वो आ जाए जो नहीं आना चाहता वो ऑनलाइन ले ले. अभी मैं यही कह सकती हूँ ठीक है. अच्छा आप क्या कह रहे थे. हाँ वो ये होता है ना कि जो आपके दूसरे सब्जेक्ट होते हैं ना मैट्रिक्स को होल्ड के उनके पहले हो जाते हैं ठीक है. हमारे तो अभी जब होगा तो उसकी प्रॉपर डेट शीट आएगी आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे उससे ठीक है. चलिए बच्चों हम आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग. एक्सक्यूज मी मैम. एक्सक्यूज मी मैम. जी रामीन मैं सुन रही हूँ आप बोले. मैम मैंने पूछना था कि अगर सपोज किसी ने फर्स्ट डोज लगवाई है वैक्सीन की तो वो तो ये मतलब मेल आया कि वो नहीं आने दे रहे तो मैम अगर हमारा इवन ऑड में आ जाएगा तो हम लोग कैसे आएंगे मतलब कि अगर वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगवाई तो आ सकते हैं मैम. किसने मना किया आपको आने से. यहाँ जितने भी बैठे हुए किसी ने नहीं पूछा. लेकिन देखो मैं ये कह भी सकती हूँ आप आ जाओ फर्स्ट डोज पे किसी को नहीं मना करे. रजिस्ट्रार ने ईमेल की है कि फर्स्ट डोज वाले भी आ सकते हैं जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी फॉर द वैक्सीनेशन वो भी आ सकते हैं. ओके मैम. आप नहीं मैम वो सर मतलब हमारे सर ने मेल की थी कि वो कह रहे थे कि शायद जो सेकंड डोज जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आप लोग ना आए तो इस वजह से मैम मैंने कंफर्म करना था कि सबके लिए ये है वो मे बी शायद उन्होंने अपनी क्लास के लिए ये कहा हो. किसने कहा है. मैम डॉक्टर हारिस की मेल आई हुई थी. चलिए बेटा आप लोग प्लीज मैं ये नहीं आपसे कह रही कि वैक्सीनेशन लगवाए वगैरह आप जो है पूरा लाहौर फिरे मैं ये नहीं आपसे कह रही लेकिन आप एटलीस्ट वैक्सीनेशन करवाएं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और फिर आ जाएं आप यूनिवर्सिटी ठीक है. एटलीस्ट आपने फर्स्ट डोज एटलीस्ट आपने लगवाई ठीक हो गया. ओके मैम. यस मैम. जी बेटा. मैम आपने इस सेमेस्टर में आप सिर्फ एक ही क्विज लेंगी. नहीं अभी लेना है एक और. तो आप बेस्ट ऑफ टू सेलेक्ट करेंगी ना. अभी एक और होगा. नहीं मैं पूछना चाह रही थी कि आप काउंट इन दोनों में से जो बेस्ट होगा वही करेंगी ना. जी बेटा जिनमें से उन दोनों में से जिसका जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे ना आपके वो वाला ऐड होगा. ओके थैंक यू मैम. Okay, thank you. Allah Hafiz.